बांदा जेल में बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्तार अंसारी की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। बनारस के भेलूपुर निवासी महावीर प्रसाद रुंगटा ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने भाई के अपहरण व कई अन्य आरोप लगाए थे। मुख्तार अंसारी ने एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाकर यह कहा कि उनके ऊपर कोई आरोप बनता नहीं, इसलिए डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी जाए, लेकिन कोर्ट ने बात नहीं मानी। एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर आरोप तय करने के लिए 23 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी। बता दें कि मुख्तार अंसारी पर साल 1997 में 5 नवंबर की शाम 5 बजे वादी महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने का आरोप है। अंसारी की ओर से रुंगटा को परिवार सहित विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई थी। वादी के भाई नंद किशोर रुंगटा के अपहरण में 125 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। उसी मामले में पैरवी नहीं करने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में उसी साल 1 दिसंबर को थाना भेलूपुर वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बसपा विधायक ने एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाकर यह कहा कि उनके विरुद्ध अपराध नहीं बन रहा है। उसकी ओर से टेलीफोनिक धमकी का साक्ष्य न होने पर मुकदमे से डिस्चार्ज किए जाने की अदालत से मांग की गई थी। अर्जी में यह भी दलील दी गई थी कि राजनीतिक विद्वेष के कारण मुझे फंसाया गया है। वहीं एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है और अगली सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी पर आरोप तय किए जाएंगे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।